ये है मेरे कार्ड्स और ये स्टार्ट हो गया है गेम। हम लिफ्ट में अटक चुके हैं और अभी अलार्म। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमने अभी अभी अपना पूरा बेड एकदम सेट किया है और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। एकदम बेड जब एकदम परफेक्टली सेट होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। ये हमारा बेडशीट नहीं है, हम लोगों ने एक पतला ब्लैंकेट है उसको डाला हुआ है क्योंकि इतनी ठंड थी। अभी तो फिर भी सही है, धूप धूप वाला मौसम हो रहा है आजकल। तो आज संडे को हम लोग पहला काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे पास ना वो हमने सीड्स डाले थे धनिया के, उसमें थोड़े थोड़े तो निकल गए धनिया, बट वो ऐसे बड़ा नहीं हो रहा है। तो हमने सोचा उसको कट कर लेते हैं और वही करने जा रहे हैं अभी पहले। तो उसके बाद देखते हैं क्या क्या करेंगे। आज घर पे फिश बन रहा है। फिश, किसको किसको फिश पसंद है बताना, क्योंकि बहुत लोग ना ऐसे डरते हैं क्योंकि इसमें कांटा होता है ना, तो बहुत लोग खाना नहीं चाहते हैं। बट हम लोग खा लेते हैं, ऐसे बोल दुकान वाले को बोल के लाते हैं कि कम कांटा वाला देना ऐसे फिश, तो वो वाला हम लोग खाते हैं। तो आज वही बना है और वो चावल के साथ तो इतना टेस्टी लगता है ना। एंड फिश हेल्दी भी काफ़ी होता है तो खाना भी चाहिए। तो अभी हम चलते हैं पहले थोड़ा सा काम करने, फिर हम जाएंगे जल्दी जल्दी नहाने, क्योंकि नहा के रेडी हो जाना चाहिए यार संडे को। क्या पता हम कहाँ चले जाए घूमने, उसके लिए पहले से तैयार होना चाहिए ना। तो लेट्स गो। अच्छा, तो ये हो रहा है आज सुबह सुबह धनिया छटाई। हमारा धनिया बड़ा ही नहीं, तो जितना बड़ा है हम लोग उसको काट रहे हैं। इधर भी है धनिया, उधर भी है धनिया, वहाँ भी है। तो अब हम इसको हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं। वो चम्मच दे दो, करा है क्या पानी दे दो? नहीं, मम्मी ने बनाया है सब कुछ फिश। अच्छा, ये फोटो गरम गरम चावल एंड हमको नहीं पता था तुम रस भी बनाई हो, हमको लगा बस सूखा है। सो ऑल द फिश लवर्स, आप लोग देख लो और हम आज ये टेस्टी और हेल्दी लंच करने वाले हैं। हाँ बोलिए। और हम ये भी खाने वाले हैं, ये लड्डू लाओ, ये दिखाना अपना बनाया हुआ लड्डू। ये जो लड्डू है ये आटा का है और इसमें रिया दी पता नहीं बहुत सारा कुछ ऐड किया। ये तो नहीं, ये एक मिठाई है, ये उत्तराखंड का फेमस मिठाई है, तो वो नहीं। ये लड्डू जो है वो रिया दी ने बनाया है। यस रिया दी, क्या क्या आपने इसमें डाला था बताएंगी? हाँ, अरे बहुत ज्यादा शेफ है भाई, इतना ज्यादा कि मतलब नेक्स्ट लेवल। चलो, गोंद जो होता है, गोंद सारा ड्राई फ्रूट इसके अंदर, वो भी है काला मिर्च, एकदम हेल्दी हेल्दी है। चलो अब हम जा रहे हैं खाने। अदरक भी डाली थी। अदरक भी? हाँ, अदरक को भूज के। हाँ, कैसे कैसे देख देख के बनाई। तो थोड़ा गर्म होगा क्योंकि फ्रिज में था तो एकदम ही ठंडा था, तो हम थोड़ा सा इसको वार्म करके फिर खाएंगे। सो हम देख रहे हैं, हम पूरी तैयारी है, हमारे कहीं जा रहे हैं हम। घर से डायरेक्ट हम आ गए हैं पार्क में और फाइनली हमें डेट्स मिल गई, अपॉइंटमेंट मिल गई। निष्ठा ढोलकिया की, शी इज सो बिजी, बट हम बिजी स्लीपिंग। हाँ, बिजी स्लीपिंग ऑल्सो, बिजी वर्किंग ऑल्सो, वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। तो हम लास्ट जब गए थे मॉल तो निष्ठा काम करी थी, उस दिन उसको कुछ काम था, तो आज हम मिलने आ गए और आज हम करेंगे धूप सेकाई। और आज कुछ हम नहीं, कार्ड पार्टी करने वाले हैं। अब मुझे तो आता भी नहीं है कार्ड खेलने, तुझे आता है खेलने? सिखा देगी? मोक्षा सिखाएगी। मोक्षा, मोक्षा, मोक्षा तू, तुझे पत्ते खेलने आते हैं? हाँ, बहुत खेलते थे पहले। मुझे नहीं, लॉकडाउन लगाता था, हम यही करते रहते। मुझे आते नहीं खेलने, बट अब हम खेलेंगे और हम स्पीकर भी लेंगे। स्पीकर फुल मूड में आए हम, पिकनिक मूड। रिया दी तो बोल रही है मैं सो जाऊँ। एक एक चादर हम लेके आए, एक निष्ठा लेके आई, तो नीचे ये बिछ गया। अब रिया दी बोल रही है ये ओढ़ के सो जाएगी, इतना लेजी पन। बट ठीक है, अभी देखते हैं। और यहाँ पे फ्लाइट आ रहा है, जा रहा है, अभी देखते हैं क्या क्या करते हैं।
जे छत ऊपर बेसी ना ई अलग है तू यार ई गेम अलग तो ईज गेम बोलो तो जोकर निकलवा वाली ये देखो ये लोग अपनी सीक्रेट बातें गुजराती में करने लगते हैं ताकि हमें समझ ना आए। हाँ तो ठीक है वो भी हाँ तो ठीक है हम लोग खेल रहे हैं सेट्स अभी हम लोग सेट्स खेल रहे हैं ना मोक्षा सेट्स नहीं खेल रहे हम जोकर वाला गेम खेल रहे जिसमें उसके पास लास्ट में जोकर बचेगा वो हार जाएगा मुझे लगा वो जीतेगा नहीं वो हार जाएगा अच्छा ठीक है अभी हम गेम समझते हैं फिर हम खेलेंगे ये है मेरे कार्ड्स और ये स्टार्ट हो गया है गेम तुझे क्या करना है मैं तो तेरे में से लूंगी ना देख तू इससे ले और अगर पैर नहीं बन रहा फिर पास रखो अच्छा हेलो बोल जिमी नाम है इसका सो क्यूट वो भाग गया दूसरा वाला कितना क्यूट है देखो मोक्षा दीदी भी है कितना क्यूट है हाउ क्यूट जिमी जॉनी है ये नहीं जॉनी नहीं काटेगा भाई कुत्ता नहीं काटेगा नहीं नहीं नो दिस इज नॉट फॉर यू जॉनी नो जिमी कितनी क्यूट है हमारा फ्रेंड सो चुका है वो देखो जॉनी कौन आया तुम्हारा दोस्त ये और एक उधर है नो जॉनी नो ये तो बिल्कुल ही एकदम हाँ इतनी सुंदर आंख है अब देख लिया वो पन्ने देखो जो तो बड़ा बहुत खड़ा है अरे ले ले जॉनी उसका एक और फ्रेंड आ गया है उधर हम निकल रहे हैं पार्क से बाहर पीछे डॉगीज अभी भी खेल ही रहे हैं और उनका एक और फ्रेंड भी आ गया है साथ में तो पर अब धूप खत्म हो गई तो हमने बोला अब हम चलते हैं और निष्ठा तो भाग ही गई थी क्यों निष्ठा कितना डर लगा भाई तुझे यार मेरे को डर लगता है ऐसे डॉग से दूर से अच्छा लगता है पास से नहीं निष्ठा को बस डॉग दूर दूर से अच्छे लगते हैं इसको चाहिए पग मुझे पसंद है लेकिन थोड़ा ऐसे डॉग्स चेस करने लगता है तो मुझे डर लगता है क्यों कहीं काट न ले कुछ वैसे मुझे पसंद है हाँ सबको डॉग निष्ठा को दूर से पसंद है बोल रही मुझे पग पसंद है पग आ जाए तो आलसी पग लेजी होता है क्यूट की तरह से होता रहता है तो इसलिए ये पसंद है इसको या आप लोगों को कौन से डॉग के ब्रीड पसंद है बताना मुझे तो सारे ही पसंद आते हैं कोई भी बस मेरी मम्मी पापा को पसंद नहीं है हम बस चले तो हम 3-4-5 कुत्ता रखते मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है हम लिफ्ट में अटक चुके हैं और अभी अलार्म भी बज गया है अभी अंकल आके हमें बचा लेंगे अंकल अंकल द सुपर हीरो हम बीचों बीच फंस चुके हैं हेलो हम फंस गए हैं आदि याद ही नहीं करना चाहिए कि जब हम रहना पापा फंस ही गया लिफ्ट में 0 थी 1 नहीं बचमा थी हमारा ख्याल थी ये हमेशा यही आती है मोस्टली और हम ऊपर कैसे जाए अरे आ जाएगा इसका वो बंद करेंगे ना तो ये खुद ही नीचे 0 पे आ जाएगा कह रहे हो कहां पे हो अरे क्या के 0 टू 1 के बीच में क्या आ रहा 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 ऐसे करने की क्या जरूरत है बताओ हमें बड़ा फनी है लान में वैसे एक बार और बजा
बंद तो कर अलार्म और स्टॉप। पापा सारा सुन रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं। अलार्म बज चुका है, सुपर हीरो अंकल आ रहे हैं। हम लिफ्ट में फंस गए हैं और खुशी देखो पता नहीं किस बात की खुशी है। अभी हमें कोई निकालने आएगा। हम निकल गए लिफ्ट से, हम बच गए। हम वापस दूसरे लिफ्ट से जाएंगे बट चल के नहीं जाएंगे, हमने पार्क में चल लिया। ओके बाय 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 बाय। तुमको बाय नहीं, चलो।